I am very enthusiastic to present you today Optimus Even Out range. और इस range को आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके skin complexion को perfect बनाने के लिए. ये आपके dark spot discoloration को target करता है और आपको एक खूबसूरत skin के हकदार बनाता है और उसके साथ साथ आपके skin की radiance glow को भी बरकरार रखता है, आपके skin को lightening भी करता है क्योंकि इसके अंदर है स्पेशली बोटानिकल्स जो आपके स्वीडिश नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड से बने हुए हैं जो टारगेट करता है डिस्कलरेशन, डार्क स्पॉट, लैक ऑफ रेडियंस को और आपको बनाता है ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस और रेडियंट स्किन की हकदार. इसके अंदर मेनली है क्रैनबेरी सीड ऑयल, विटामिन ई से बने हुए हैं वो जो मेनली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण से आपके स्किन को नरिशमेंट देता है एंड प्रोटेक्ट भी करता है. क्रैनबेरी सीड ऑयल के साथ साथ इसके अंदर है मेडोस्वीट जो विटामिन सी से एनरिच्ड है जो आपकी डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है एंड गुजबेरी जो मेनली वाइटलिटी एंड स्किन रेडियंस के ऊपर काम करता है. और ये तीन एक्सट्रैक्ट के साथ साथ ये प्रोडक्ट्स में है लुमिलाइट कॉम्प्लेक्स जो मेनली टारगेट करता है पिगमेंटेशन को एंड मेलानिन सिंथेसिस को जिससे आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस के साथ साथ बहुत ज्यादा गोरा भी बन जाता है क्योंकि मेलानिन सिंथेसिस को कंट्रोल करने से आपकी स्किन लाइटनिंग होती है और उसके साथ साथ स्पॉट भी मिनिमाइज होता है एंड फ्यूचर डिस्कलरेशन को भी ये प्रिवेंट करता है. तो इस रेंज को आप इस्तेमाल कीजिए और इस रेंज को इस्तेमाल करने के लिए इजी 4 स्टेप्स को आप कीजिए और वो 4 स्टेप्स है क्लींजिंग, आई बूस्ट एंड मॉइस्चराइजेशन. क्लींजिंग में आपका 2 स्टेप्स है क्लींजिंग एंड टोनिंग जिसके लिए हमारे पास इवन आउट का क्लींजर है एंड क्लैरिफाइंग टोनर है एंड आई क्रीम में आई परफेक्टर आई क्रीम है, उसके बाद इल्यूमिनेटिंग सीरम है एंड दिन में डे क्रीम है, रात में नाइट क्रीम है. इस पूरे एंटायर रेंज को आप यूज कीजिए और एक फ्लॉलेस स्किन की हकदार बनिए. हाय फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इवन आउट ट्रेंड से आप अपनी रेगुलर स्किन केयर रिजन कैसे करेंगे. तो स्टेप 1, पहला स्टेप में हम लोग यूज करेंगे इवन आउट का हमारा जो फोमिंग क्लेंजर है उसको. तो आइए देखते हैं पहले हम लोग कैसे करेंगे. पहले आप अपने फेस को थोड़ा वाटर से डैब कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ. वाटर से अच्छे से फेस को डैब कर लीजिएगा. ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ लेकिन आप चाहे तो घर में अपने आप ही कर सकते हैं. अच्छे से फेस को डैब कर लीजिए. उसके बाद ये क्लेंजर है हमारे पास फोमिंग क्लेंजर, उसको आप इतना सा ही लीजिएगा और 5 हिस्सों में फेस के डिवाइड कर लीजिए. जो बचा हुआ हिस्सा है उसको हाथ में लेके आप अपवर्ड स्ट्रोक दोगे एंड आउटवर्ड स्ट्रोक दोगे. यहाँ पे आप सर्कुलर मोशन करके आउटवर्ड्स दोगे, सर्कुलर मोशन आउटवर्ड्स. अपने लेफ्ट हैंड को इधर रख के राइट हैंड से यहाँ पे आप सीजर मसाज दोगे जिससे आपकी साइड की जो भी ब्लैकहेड्स है अच्छे से क्लीन हो जाएंगे एंड ऑब्वियसली आपके नीचे ये एरिया में भी आपको ऐसे हल्का हाथ से मसाज देना है. हमारा जो क्लेंजर है उसमें स्पेशल टेक्नोलॉजीज है जैसे मैंने आपको बताया, तो इससे आपकी फेस अच्छे से क्लीन हो जाएगी, एकदम डीप पोर क्लींजिंग इससे हो जाएगी. तो यही स्टेप्स को आप रिपीटेड मैनर में करते रहिए फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स. फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया, अच्छे से क्लेंजर को अप्लाई किया 2 मिनट तक. उसके बाद अच्छे से कोई वेट टिश्यू से आप अपने क्लेंजर को रिमूव कर सकते हैं. घर में रहने से आप रनिंग वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं. इसके बाद आपको करना है स्टेप 2 एंड दैट इज टोनिंग. ये है हमारा ओरिफ्लेम का ऑप्टिमल रेंज का इवन आउट का टोनर जिसको हम लोग अभी अप्लाई करेंगे. एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, टोनर हम लोग ऑन रेगुलर बेसिस क्लेंजर के बाद अप्लाई करेंगे लेकिन जब हम लोग फेशियल के स्टेप्स करेंगे तो क्लेंजर के बाद ऑप्टिमल्स का स्क्रब जरूर यूज कर लीजिएगा फॉर डीप पोर क्लेंजिंग. जब हम लोग फेशियल करेंगे ये आप वीक में 1 या 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं. टोनर से पहले स्क्रब कीजिएगा उसके बाद टोनर लगाइएगा. आज हम लोग मेनली स्किन केयर रीजन देख रहे हैं इसलिए क्लेंजर के बाद डायरेक्ट टोनिंग कर रहे हैं. टोनर के लिए आप मैंने क्या किया, 2-3 ड्रॉप यहाँ पे टोनर लिया है और उस टोनर को आपको डैब करके यूज करना है. अच्छे से देखिएगा मैं कैसे कर रही हूँ, डैब करके अपने स्किन में यूज करना है. टोनर क्या काम करता है, एक्चुअली क्लेंजर्स के जो भी इम्प्यूरिटीज नहीं निकल पाता है डीप पोर से, टोनर उसको रिमूव करता है एकदम डीप पोर में जाके. आप
आपके जो भी मेनली आपके पोर्स है उसको शॉर्टन करता है कि ज्यादा गंदगी अंदर ना जा पाए एंड ऑब्वियसली आपके स्किन को रिफ्रेश करता है एंड हाइड्रेशन के लिए रेडी करता है। तो टोनर बहुत इंपॉर्टेंट है टू टोन योर स्किन, क्योंकि जितना आप यूज करोगे टोनर उतने आपकी स्किन रिफ्रेश रहेगी, टोन रहेगी एंड ज्यादा दिन तक यंगर रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे इम्प्योरिटीज आपके टोनर से निकल आ सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप टू था, अब आ जाता है हमारा स्टेप थ्री, दैट इज अंडरआई क्रीम। और इवन आउट का अंडरआई क्रीम बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके आंखों के नीचे जो ब्लैक पैचेस है वो भी इससे रिमूव होता है और उसके साथ साथ अंडर आई की जो पफिनेस है। आपको ये क्रीम इस्तेमाल करने के लिए अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसको इस्तेमाल करना है और एक मोती की बूंद जैसा इसको लेना है और फिर उसको दोनों हिस्सों में डिवाइड करके लेना है। बहुत ही कम लगता है लेकिन यूज कीजिएगा ये चीज, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है हमारे रेगुलर स्किन केयर रीजन के। और क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा डीप पोर पेनिट्रेशन करता है तो आपके आईज के नीचे के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और अंडर आई की जो भी पफिनेस है रिंकल्स है उसको भी गाइड करता है। और ये बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आपको अपने ये वाले उंगली से इसको अच्छे से 30 सेकेंड से हल्का हाथ से मसाज कर देना है और तुरंत आपके अंडर आई में आपको एक अच्छी सी फ्रेशनेस फील होगी। आफ्टर अंडर आई क्रीम स्टेप 4, जिसमें आपका आता है सीरम। और ये सीरम आपको एक्चुअली थर्ड ईयर तक पेनिट्रेशन देता है, तो ये सीरम के लिए आपको बहुत ही इतना सही बहुत ही कम लगेगा ये सीरम। और ये सीरम को आप जब इस्तेमाल करोगे इसको भी आप ऐसे डिवाइड करके लोगे अपने फेस में, जितना भी बच रहा है ज्यादा उंगलियों का इस्तेमाल ना करते हुए दो उंगली से हम लोग ये सीरम को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब करवा देंगे। सीरम एक्चुअली आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अंदर से ग्लो करवाता है एंड ऑब्वियसली आपकी स्किन नेक्स्ट स्टेप जो है मॉइस्चराइजेशन उसके लिए अपने स्किन को तैयार भी करता है। तो ये एक्चुअली मैनर में आपको इस तरह से अच्छे से हल्का हाथ से स्किन में पूरा एब्जॉर्ब करवा देना है। ओके, तो अब आ जाता है हमारा एंडिंग स्टेप, मतलब स्टेप 5। इसमें आपको दिन में डे क्रीम लगाने की जरूरत है। इवन आउट के रेंज में SPF 20 आपको मिल जा रहा है डे क्रीम में विद आवर लुमिलाइट कॉम्प्लेक्स। और ऑब्वियसली रात के टाइम में आप यूज करोगे नाइट क्रीम, तो इसका इस्तेमाल भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। क्रीम आपको ज्यादा नहीं लगेंगे, थोड़ा सा ही लगेगा। ये यूजुअली आप स्पैचुला से लीजिएगा तो आपका वेस्ट भी ज्यादा नहीं होगा। इसको भी आपको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देना है एंड उसके बाद आपको हल्का हाथ से मसाज करना है। अगर आप देख रहे हो कि आपका हाथ जो है वो ड्राई हो जा रहा है तो आप ऐसे अपने हाथ को थोड़ा वेट कर सकते हो। इसके बाद आपको इस क्रीम को अपने फेस में अच्छे से मसाज करके देना है। ये मसाज जब आप फेशियल करोगे तो थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए करना, अराउंड 5 to 10 minutes, लेकिन रेगुलर स्किन में आपको 2 मिनट करने से ही काफी है, ये स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। और इसमें दिन में SPF 20 है दिन के प्रोडक्ट में, मतलब डे क्रीम में, तो आपका जो SPF है वो आपको प्रोटेक्शन भी देगा एंड नाइट क्रीम में रिवाइटलाइजिंग फैक्टर है जो आपको ग्लोइंग स्किन के हकदार बनाएगा। तो ऐसे स्टेप्स को आप करीबन 5 मिनट में कीजिए। स्टेप्स एक बार नोटिस कीजिए, अपवर्ड आउटवर्ड सर्कुलर मोशन आउटवर्ड सीजर। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऐसे कर रहे हो, सेकेंड ऐसे कर रहे हो, थर्ड ऐसे कर रहे हो, इसको आप ऐसे ले लो, यहाँ पे एक हाथ देके यहाँ पे आप 8 लिख रहे हो, अच्छे से ध्यान में रखिए 8 लिख रहे हो। पूरा ये स्टेप्स करने से आपके पूरे फेस में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और एक ग्लो भी आ जाएगा अंदर से। तो ये हुआ आपका पूरा फेशियल स्टेप्स एंड रेगुलरिज्म कंप्लीट। देखा आपने कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके इवन आउट की एंटायर रेंज को मैंने इस्तेमाल किया, फर्स्ट स्टेप क्लेंजिंग टोनिंग, उसके बाद आई क्रीम, सीरम, दिन में डे क्रीम एंड रात के लिए नाइट क्रीम।
ये रीजन को फॉलो कीजिए और आपको भी उससे मिल सकता है ऐसे एक ग्लोइंग स्किन जिससे आप रेगुलर मैनर में फेशियल करने का जो ग्लो है वो घर बैठे ही आप इसको इस्तेमाल करके ग्लोइंग स्किन के हकदार बन सकते हो। और इस महीने एंटायर इवन आउट फ्रेंच की क्लेंजर टोनर और डे क्रीम में आप 40% तक ऑफ है, तो इसको इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को खूबसूरत बनाइए, प्रमोट कीजिए और अपने सेल को भी बढ़ाइए।